ट्रस्टी एंड एक्टिव कार्यकर्ता हमारे साथ राजकोट की पूरी टीम आई है। मित्तल भाई आपके साथ बैठे हैं, विजय भाई एक मिनट खड़ा हो जाइए, धीरू भाई खाना पर। ये विजय भाई है, एक ग्रीन मैन कहे जाते हैं। विजय भाई अगर अभी 15 लाख वृक्ष लगा चुके और हर वृक्ष 8 फुट से 12 फुट का 650 आदमी का स्टाफ है और 250 टैंकर ट्रैक्टर है इनके पास और हर साल कम से कम 3-4 लाख 5 लाख वृक्ष पूरी नर्सरी में 1 लाख वृक्ष 8 फुट के तैयार रहते हैं। धीरू भाई कहना पा रहे 450 वृद्धों का वृद्धाश्रम चलाते, बोर्ड ऐसे मारे हैं कि हमको माउतर चाहिए, मतलब माँ बाप चाहिए। पूरे गुजरात में बोर्ड लगे हैं, कहीं पे भी जिनको बेटा बेटी नहीं है ऐसे 450 लोग अभी एक नया 50 एकड़ जगह लिया है और 2000 वृद्धों का वृद्धाश्रम राजकोट में होगा। वृद्धाश्रम होना समाज की अच्छी निशानी नहीं है, जैसे गौशाला पांजरापोल, मतलब क्योंकि अपने को पशु घर में रखे, माता पिता घर में रखने, लेकिन इनका ऐसा है कि जिसको बेटा ही नहीं है, बेटी ही नहीं है, और जो ठेला चला रहा है, जो रिक्शा चला रहा है और फिर 70-80 साल में कैंसर हो गया, लुढ़क गया, ऐसे 450 लोगों को रखते हैं। अभी जो 450 लोग हैं उसका हर महीने का सिर्फ डायपर का खर्चा, मतलब आप समझ सकते हैं बेड रिटर्न, वो 5 लाख रुपया है। ऐसे इनको चलाते हैं। मुफ्त भाई को तो आप जानते ही हैं, हमारे नूतन दीदी है, जालना डिस्ट्रिक्ट में 330 गांव के तालाब का काम पूरा किया। उससे नाराजी उनके हस्बैंड है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के फ्लाइट इंचार्ज है, तो बहुत ही मतलब वो भी ट्रैवल करते हैं और ये भी ट्रैवल करते रहते हैं। वो सब गिरीश भाई को भगवान के दूत के रूप में धरती पे आया हुआ किसी ने ऐसा गिनता है, ये आप और हम सब मन से जानते हैं और लाखों लोगों की, लाखों निरीह पशुओं की, सबकी पेड़ों की दुआएं इनको और आपको सबको मिलती रहती है। जीवन के अंदर सबका अंत निश्चित है और ऐसा कुछ काम किसी के हाथ से भी हो जाए कि जिससे भगवान के मन में प्रसन्नता और इंसान के मन में प्रसन्नता और उस निरीह पशु के मन में प्रसन्नता हो, तो वो समस्त महाजन के माध्यम से आप सबके हाथ से हो रहा है। मफत भाई एक बहुत ही अभिनव अनकल्पनीय काम गिरीश भाई के नेतृत्व में हो रहा है और कोई इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकता कि जिसके पास इतना बड़ा बिजनेस का हुनर हो, इतना बड़ा जिसके व्यवसायिक संबंध हो, जिसके पास 55 मिनट के टाइम की कीमत हो, वो अपना सारा समय, मैक्सिमम समय समाज के लिए लगाए और एक दो साल के लिए नहीं, लंबे समय से उन्होंने पूरा जीवन करीब करीब इसके लिए दे दिया है। मैं उनको मन से आप सब की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आपके अंदर में आपके साथी बनकर जीवन के अंदर काम करते आए हैं और मैं केवल आपको नमस्ते करने के लिए आया था। एक छोटा सा सामने जो ऑर्गेनिक एंड नेचुरल प्रोडक्ट OM का जो बोर्ड लगा हुआ है, आपके परिवार से ये भी एक बहुत अच्छा काम, आप दूसरा बिजनेस कर सकते थे पर ये काम आपने किया, इसमें आपके मन में हो गई। प्रधानमंत्री जी ने अगला साल फरवरी 2023 से फरवरी 2024 इन्होंने मोटा अनाज का मिलेट का जो किया है उसके बारे में भी मुंबई के अंदर थोड़ा इसके माध्यम से लोगों को समय रहते हुए मिलेगी जानकारी। तो वास्तव में ये गेहूँ अपना था ही नहीं, आपको मेरे से 100 गुना ज़्यादा मालूम है, ये तो बाहर से लोग लेके आए थे। पर सब बाहर का अनाज जो अपने शरीर को, अपने प्रकृति को नहीं सूट करता है, वो सब में चले गए। अब वापस मोदी जी और आप जैसे लोग उनको ले जाना चाहते हैं। मैं अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। एक इन्होंने भी कहा जैसे परिचय कराते हुए कि जो वेटरनरी डॉक्टर है, कि वेटरनरी एम्बुलेंस के पायलट हैं, वो 100 कुत्ते बिल्ली छोटे जानवरों को बचाते हैं। अभी कभी कल्पना करिए कि यदि गिरीश भाई आपके हाथ से ये काम नहीं हुआ होता और समाज ने आपको साथ नहीं दिया होता तो ये 100 लोग क्या होते थे, इनकी कहाँ पर इनकी क्या, बिल्कुल बोलना भी अच्छा नहीं है। तो बहुत बड़ा वैक्यूम, बहुत बड़ी पूजा, पूजा का समय नॉर्मली सुबह होता है पर आप तो 24 घंटे में 18 घंटा 19 घंटा पूजा करते हैं भगवान की। ऐसा काम आपको सफलता प्रदान दे, मैं थोड़ा आप सबसे माफ़ी मांग कर मेरे को तुरंत कहीं निकलना पड़ेगा, मेरी व्यस्तता नहीं है, मेरी पोस्ट की व्यस्तता है। मेरी पोस्ट नहीं रहेगी तो मैं भी आपकी तरह पीछे बैठा रहूँगा, और अभी पोस्ट को सब जगह बुलाया जाता है तो मैं जाता हूँ, पर यहाँ मुझे बुलाया नहीं, यहाँ मुझे खेली मैसेज आया था, मैंने बहुत बहुत
वचन शासन पिछले 10 साल से तो मैं काम कर रही हूँ, मोदी साहब तक सब पहुंचा है हमें,
और शायद उन्होंने उस पर स्टेप भी लिया है। आपको पता होगा ये जो 75वां राग जो महोत्सव शुरू हुआ है ना, उसमें राष्ट्रीय व्यंजन को उन्होंने फिर से खुलवाया है। इसके लिए उज्जैन में बहुत बड़ा सम्मेलन भी हो गया, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ये मुद्दा वहाँ तक पहुँचाऊँ, वहाँ नहीं पहुँच पाया तो सनातन धर्म तक पहुँचाऊँ। और मैंने इसीलिए गिरीश भाई को बोला कि भागवत साहब आ रहे थे, मेरा ये काम जरूर करें, क्योंकि हमको करना क्या पड़ेगा, जो पंचम करता है वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। अगर सनातन धर्म में ये मुद्दा उठा रहा है और हिंदू एकता के लिए अगर ये काम हो रहा है ना, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। तो ये मेरा विषय है, मैं पंचा पुस्तक लेकर आई हूँ और मैं उनको दे रही हूँ, कल भागवत साहब को अगर ये मिल जाए और इसके ऊपर आगे जो कुछ काम हो उसमें आप सबके आशीर्वाद चाहिए। बिंदुबेन का बहुत बहुत धन्यवाद, और कोशिश तो जरूर करेंगे कि आपकी बात आपकी चीजें वहाँ ऊपर तक पहुँचे। ये कल का जो कार्यक्रम है मोहन जी भागवत का, उसका एक वीडियो भी पास आपको भी देता हूँ, आप भी कल वहाँ पधारे। हाँ जी, मौका मिल गया। हाँ जी, हाँ जी। तो उनके जो आगे पीछे उनके तक तो कल ही पहुँच जाएगा। जरूर जरूर, उनको क्योंकि चंद्रमा की घड़ियाँ 24 घंटे और कुछ की होती है, कल कलाएँ कलाएँ होती है 24 घंटे होती नहीं है। आपने जो पश्चिम इंटरेस्ट की बात की, राजस्थान में आपका 300 है तो 374 पंचांग निकलते हैं, पॉकेट पंचांग अलग है, 374 तो अलग है, और उज्जैन से और इंदौर से और पंचांग आते हैं वो अलग हैं, जो विश्वविजय और इस तरह के पंचांग आते हैं, निर्णय सागर। और आपने अगर वैसा कोई पंचांग बनाया हो जिसमें आपने कहा तो 500 साल तक वही नक्षत्र आएगा, उसकी कॉपी जरूर है। मैं ये प्रयास करूँगा कि वो वहाँ से छप के, एक्चुअली क्या होता है आजकल मार्केटिंग हो गई, हर एक आदमी अपनी दुकान चला रहा है, हर आदमी अपनी दुकान चला रहा है, तो उसको जब तक आप बाजार में इन लोगों के थ्रू और जो पंडित हैं कर्म कांड वाले लोग हैं प्लस आपका सनातन धर्म का मुद्दा उठाया, बिल्कुल सही है। सिद्धार्थ जी के जो व्रत है हवेली वाले नागद्वारा के, उनकी तिथियां और साधारण तिथियों में 1.5 दिन का फर्क होता है। आज उनके यहाँ शास्त्रों में हमारे यहाँ छठ है, तो ये फर्क है। और कहते हैं बता देते हैं सबसे, आप समझते हैं चंद्रमा की घटी है, घटी और कला का फर्क है। आप मानोगे नहीं, अगर ये राष्ट्रीय पंचांग जो लागू पड़ गया ना, लोगों तो क्या है लगाने के लिए, लेकिन लोगों ने नहीं चलाया। इस बार अगर ये लागू पड़ गया ना तो 1.5 महीने के बाद जन्माष्टमी है, और शायद उस वक्त सूर्य या चंद्र रोहिणी में होगा भी, ऐसा वो पंचांग बना है बिल्कुल पागल की तरह। मेरे को तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ज्योतिष हूँ इसलिए कह सकती हूँ। तो एक बात है, अगर हम लोग एक मत पे नहीं आए ना तो परेशानी उनको ही होगी। आने वाली वीडियो को जरूर होगी, हमें तो है ही, आने वाले लोगों को नौ में तो 500 साल तक ये रहेगा। यही पंच इसमें क्या है, गणित है, मैं फिर से समझाऊँ आपको, एक गणित है, सिस्टमेटिक है कि चंद्र, आपको पता है एक 5वां टायर होता है गाड़ी में, शैतनी टायर बराबर। अगर जैसे कि आप ये 27 ऐसे 28 लोग बैठे हैं, अब मान लो कि 28 एक लाइन में बैठा है, चंद्र यहाँ से निकल रहा है दूसरे दिन यहाँ, तीसरे दिन यहाँ, 27 नक्षत्र होते होते अगर वो यहाँ आ गया, अभी पूर्णिमा की देरी है, अभी एक दिन बाद पूनम होगी क्योंकि कला हुई थी, तो शैतनी टायर आगे आ जाएगा, वो है अभिजीत नक्षत्र। अभिजीत नक्षत्र साल में सिर्फ 3 बार इस्तेमाल होता है, 3 ही महीना, और ये नक्षत्र 3 बार होता है तो नासा के कैलकुलेशन में इसको कैसे बिठा है, इसलिए उन्होंने 27 नक्षत्र करके अभिजीत को बाहर ही कर दिया। अब उसके 3 दिन क्या करे, तो बाकी के नक्षत्र का समय बढ़ा दिया, आप समझ रहे क्या किया है।
वो नहीं समझेंगे ये सब नहीं तो समझा से थोड़ा गुरु महाराज ही सब तो समझा ही होते हां एक ही समझेंगे इनको तलाक करना कबूल निकालना झाड़ू का हो जाता है भाई बचाओ इसका ना थोड़ा सब्जेक्ट से बाहर है लेकिन एक्सपर्ट है हमारे थानवी जी जो इसलिए वो समझ रहे तो कोई नहीं बहुत अच्छा नूतन प्रेम से निवेदन है कि बिंदुबेन का स्वागत करें और बहुत बहुत धन्यवाद बिंदुबेन आप आए मैंने फिर काफी काले आओ जो जी शासन गौ माता की अपना आगे का आज का सेशन जो है तो कई लोग तो बड़े बड़े मस्कर है मतलब गृहस्थ के लिए नियम अलग है गृहस्थ पैसों से ही सोचता है साधु पैसों से साधु के पास पैसा होना वो दुर्गुण है मतलब कोई संत के पास कोई जैन समाज के संत के पास यदि पैसा है तो मतलब समाज में उसका एकदम इंश्योरेंस की पॉलिसी का प्रीमियम बढ़ता है और इंश्योरेंस की पॉलिसी का जो प्रीमियम होता है वो इसलिए बढ़ते कि हमारा लाइफ इंश्योरेंस है वैसे हर साल जो कमाते हैं वो कमाई का पैसा हमारे पास टिके इनकम टैक्स वाले ना आवे ईडी वाले ना आवे हाँ और भी कोई गुंडे लफंगे ना आवे तो 25% कमाई का पैसा अच्छे कामों में लगाना चाहिए ये शास्त्र वचन है शास्त्र विधि प्रकरण नाम के पुस्तक में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है मैं निवेदन करूंगा नूतन देसाई को चलना की पूरी डिटेल चर्चा आप करें ये ने
આખા ગણિત સમજાવવાનું છે કે તારા એક લાખના એક કરોડ રૂપિયા એક લાખના લાભ કરવા હોય તો અમારા જન્મમાં જમવામાં આવજો, પણ એક લાખના એક કરોડ રૂપિયા તમારે કરવા હોય તો આ પાણીમાં જ આપવા પડે. સાચી વાત છે તમારી, કારણ કે લાસ્ટ આટલા વર્ષો જે અમે કરીએ છીએ, 3 વર્ષ પહેલાં મારે કેવો પડતો, આજે તો એવું છે ખાલી બેસું ને તો એ લોકો મને કહી જાય કે તમને અટકાયું છે અને તે ડીઝલ અહીંયાથી લઈ લો, એટલે એ ફ્લોમાં આવી ગયું છે, કારણ કે લોકોને બી વેલ્યુ ખબર પડી ગઈ છે પાણીની. હા, પણ એટલે મારો મુદ્દો હવે એટલો છે કે विजय भाई ने कहा वैसे हमारे पास रिटायर्ड IAS रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर नहीं है, लेकिन जो है उनको या तो डिप्टी कलेक्टर बना देते हैं, दूसरा तो कोई चारा नहीं है हमारे पास भी. लेकिन ये बात जो है, जो डॉक्टर्स की टीम आई वो सारी गवर्नमेंट टीम आई, बाई डिफॉल्ट गवर्नमेंट लेनी पड़ने वाली थी, वो गवर्नमेंट है तो उससे रिजल्ट बहुत अच्छा है. जय नम जयति, जय नम जयति.